बिहार की बेटी है बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा, पिता है विधायक, तो खुद ने बॉलीवुड में बनाया करियर। 37 साल की उम्र में भी एक्ट्रेस ने नहीं बसाया है अपना घर। फैंस पूछते हैं सवाल, एक्ट्रेस बनेगी किसकी दुल्हन? बिहार के राजनेता की बेटी और बॉलीवुड में अपने ग्लैमर से जादू चलाने वाली नेहा शर्मा आज अपना 37th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। नेहा शर्मा हिंदी के अलावा साउथ फिल्मों में भी नजर आती हैं। अपने छोटे से करियर में वह कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं, तो नेहा का बैकग्राउंड भी कम चर्चित नहीं रहा है। तो चलिए नेहा के बर्थडे पर आज जानते हैं एक्ट्रेस की लाइफ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सबसे पहले ये बता दें कि नेहा शर्मा का जन्म 21 नवंबर 1987 को बिहार के भागलपुर में हुआ था। चाइल्डहुड से लेकर जवानी तक नेहा बिहार में रही, उसी शहर में पली बड़ी हैं। इसलिए नेहा शर्मा का एक पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड भी है। उनके पिता कांग्रेसी नेता हैं और भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। नेहा अपने पिता के साथ चुनावी प्रचार में भी कई बार शामिल होती नजर आई हैं। उनके पिता ने लोकसभा के चुनाव में भी किस्मत आजमाई थी, लेकिन चुनाव नहीं जीत सके। अजीत शर्मा 3 बार भागलपुर सीट से चुनाव जीते हैं। लगातार 3 बार से यही सीट उन्हीं के कब्जे में है। 37 साल की नेहा आए दिन अपनी हॉटनेस से सोशल मीडिया पर तहलका मचाती रहती हैं। ग्लैमरस होने के साथ साथ नेहा फिटनेस पर भी पूरा ध्यान देती हैं। जिम से लेकर योगा की वीडियोस फोटोज आए दिन सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। फिटनेस फ्रीक नेहा को पेपराजी आए दिन जिम के कपड़े में स्पॉट करते रहते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हॉट और बोल्ड नेहा की पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मौजूद है। उनके अफेयर किससे हैं, किससे नहीं, ये कभी रिवील हुआ ही नहीं है। ना ही नेहा शर्मा का नाम किसी भी एक्टर के साथ आज तक जुड़ा है। बता दें, नेहा शर्मा के करियर की बात करें तो नेहा ने साल 2007 में तेलुगु फिल्म से अपना डेब्यू किया था, जो कि सुपरहिट रही। साल 2010 में क्रूक में काम करने के बाद वो चर्चा में आ गई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही खासा कमाल नहीं कर सकी, लेकिन नेहा और इमरान की जोड़ी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई थी। एक्ट्रेस यंगिस्तान, मुबारका, तुम बिन, क्या सुपर कूल हैं हम जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। साल 2020 में नेहा को तानाजी से बड़ी सफलता मिली, जो कि ब्लॉकबस्टर भी रही थी। आपको बता दें कि फिल्मों में काम करने से पहले नेहा एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर एंड फैशन टेक्नोलॉजी से फैशन की पढ़ाई भी पूरी की थी। कुछ समय फैशन इंडस्ट्री में काम करने के बाद नेहा ने एक्टिंग का रास्ता चुना, जहां उन्हें खूब सक्सेस भी मिली। आज वो एक फिल्म के करीब 1 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेहा शर्मा की कुल संपत्ति 33 करोड़ रुपए है। मूवीज के अलावा वो ब्रांड इंडोर्समेंट से भी अच्छी खासी कमाई करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।